बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। अध्यक्ष पद उम्मीदवार इमरान अली को मिली भारी समर्थन, लेकर 26 सितंबर तक चुनाव को किया स्थगित। ज्वालापुर हरिद्वार की फल सब्जी मंडी के व्यापारियों द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जानी है। चुनाव चिन्ह मिलते ही इमरान अली ने प्रत्येक व्यापारी के पास जाकर डोर टू डोर संपर्क भी किया है एवं सहयोग की अपील की गई। सैकड़ों व्यापारी वर्ग ने एकजुट होकर अपना समर्थन इमरान अली को देते हुए अपना अध्यक्ष कैसा हो इमरान भाई जैसा हो नारे लगाए और कहा कि जीत सत्य की होगी। इमरान अली सभी के हित में कार्य करने वाले में से एक हैं, साथ ही सभी तरह की समस्याओं के लिए आखिरी सांसों तक इमरान जी लड़ेंगे। फल सब्जी आरती व्यापारी समिति के नेतृत्व में सभी व्यापारियों के समर्थन से चुनाव आगामी 26 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव को देखते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया। अध्यक्ष पद के दावेदार इमरान अली मंसूरी ने कहा है कि 26 सितंबर के बाद चुनाव की तारीख निश्चित कर दी जाएगी और चुनाव जरूर होंगे। इस अवसर पर इमरान अली मंसूरी, प्रदीप कश्यप, बिट्टू दिलफरोश, आसिम बशीम राव, इनाम मंसूरी मौजूद रहे। इमरान अली मंसूरी अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इनके समर्थन में काफी व्यापारी वर्ग देखा गया और हम चाहते हैं चुनाव के जरिए प्रधान चुना जावे। तो ये बहुत एक सत्य पथ के ऊपर बच्चे अग्रसर हुए और हम इन बच्चों के साथ हैं और हमारा संदेश यही है कि प्रजातांत्रिक संविधान में चुनाव एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को परमात्मा ने संविधान ने नियुक्त किया और खलकत ही खुदा का रूप है। जहां समाज खड़ा होता वो खुदा का ही रूप है, भगवान का रूप है। वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा सब में है, सब में बसा हुआ है। इसलिए हमारा ये संदेश है, दिल खोलकर और हिम्मत करके चुनाव करवाइए और चुनाव लड़िए और चुनाव से जो लोग विजयी होकर आए उनके हाथ में अपनी बागडोर सौंपिए, घबराइए मत। मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी समिति बनती है, जो भी कमेटी गठित होती है, उसका कार्यकाल 1 साल 2 साल 3 साल या फिर ज्यादा ज्यादा 5 साल का रहता है और फिर दोबारा चुनाव प्रक्रिया से अध्यक्ष चुना जाता है, उसी पूरी कार्यकारिणी चुनी जाती है। लेकिन इन लोगों ने अपनी जोर जबरदस्ती के हिसाब से आज तक कोई चुनाव नहीं कराया, कोई इलेक्शन नहीं कराया और बस आज भी यही इनकी यही कंडीशन है। हम चुनाव करा रहे हैं, सर्वसम्मति से खुलेआम ओपन चुनाव हो रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें अपनी जो है ये उसमें अपना जबरदस्ती का मामला चल रहे हैं कि हम ये अध्यक्ष रहेंगे, वो ये अध्यक्ष रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि चुनाव के जरिए जो भी कैंडिडेट चुनकर आए, 3 प्रत्याशी हो रहे हैं, एक याहिया खान जी हैं, एक उमा शंकर जी हैं मेरे विरोध में, मैं उनके अपोजिट हूँ, वो मेरे अपोजिट हैं, अगर वो भी बनते हैं अध्यक्ष बनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मंडी के हित की बात करें, व्यापारी आड़ते हुए हित की बात करें। और मैं अगर चुन के आया, मैं वादा करता हूँ अपने सभी व्यापारी भाइयों से, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा और आने वाले हर 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जो भी कार्यकारिणी में तय होगा, जो भी हमारी कमेटी रजिस्टर्ड होगी, उसमें जो भी हमारे नियमावली होगी, हम उसके आधार पर चुनाव कराएंगे और अपने आड़ते हुए हित की जो भी बात होगी वो बात रखेंगे। आपको अध्यक्ष मनोनीत कर रहे हैं, पिछले 14.5 सालों से वो नॉमिनेट ही चले आ रहे हैं। हमारे द्वारा चुनाव की मांग की गई, उनके द्वारा टुकड़ा दिया गया, खुद चुनाव की कमान संभाली गई है, इसका भी वो विरोध कर रहे हैं। बोलिए, चुनाव प्रक्रिया जो भी चल रही है, मैं उसके साथ। आपका क्या नाम है? हरिद्वार से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।